सी है जो कि मार्केट में मिलती है, और हमें चाहिए घर का जुगाड़, यानी कि सिंपल जुगाड़ और घर का जुगाड़। कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में पूरा बताएंगे। आपको पता है तो मिक्सी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, और छोटे काम के लिए परचेज नहीं कर सकते। हाँ ज़रूरी है तो करते हैं, और होती है सबके पास। लेकिन एक मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको कि आप कैसे बना सकते हो घर पे। आपको कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, 0 रुपये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी है प्रकार का। आपको एक ले लेना है डिब्बा जो कि एकदम बढ़िया क्वालिटी का हो, तो बस क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। चलो इसे हटा देता हूँ, इसे खोलता हूँ। इसके अंदर एक ऐसा, और ये ऐसा एक सिंपल पड़ा, मैं आपको बता, ये देखो एकदम बढ़िया, ये चाहिए। चलिए इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा ये। और इसके अलावा मुझे चाहिए यह एक मोटर, कुछ इस प्रकार की मोटर। मोटर मैकेनिज्म पे काम करती है, तो हमें चाहिए एक छोटी सी मोटर। मोटर है मेरे पास उपलब्ध है, 2-3 पड़ी है, एक यूज ले लूँगा। चलिए तो हमने इसकी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर ली है, जो भी इसमें हमें पोर्शन चाहिए उस सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से देखो। आपको जो भी इस्तेमाल करो उसे अच्छी तरीके से, अगर यूज में लेना है तो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लो। एकदम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर, ये किसी का भी हो सकता है ना डब्बा, इसलिए आपको इसे, मैंने 4 से 5 बार इसे एकदम साफ कर लिया है, केमिकल डाल के भी साथ में साफ कर लिया है इसको, क्योंकि ये केमिकल का ही डब्बा था। चलिए अब आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली। चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये तो ले ही लेना है, ये जो कि इसका मेन भाग है। इसके बाद ये तो ऊपर का पोर्शन आ गया, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिससे मोटर को हम कवर कर सकते हैं पीछे से, बढ़िया चीज़ है ये। और हमें एक मोटर चाहिए, ये एक मोटर है यार, इसमें कुछ ऐसा फंक्शनिंग करना हो उसके लिए आपको सिंपल चाहिए। तो सिंपल के लिए मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोका या आप प्लास्टिक की जो भी एक वो रोड आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हर चीज़ उपलब्ध होना मुमकिन है, नामुमकिन है, मुमकिन है नहीं नामुमकिन। ये है जो कि पिस्टन के टाइप का है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ से करेंगे। चलिए ये हो गया, और आपको नीचे के पोर्शन भाग के लिए इसे ऐसे कट कर लेना है, इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है इसके नीचे लगाने के लिए, और भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे कैसे करना है। चलिए एक राउंड आकार का बना लिया सिंपल। आप इसमें लोका या प्लास्टिक की जो भी एक वो प्लास्टिक की आती है वो छोटे वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप मार्केट से उसे ला सकते हो, वो पड़ी है मिल गई नहीं अभी, तो चलिए मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा जो आप घर में उपलब्ध हो सके वही चीज़ें दिखाऊंगा। इसे आप मजबूत कर लो, देखो जैसे कि आप किसी भी, आप फेविक्विक का इस्तेमाल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ग्लू गन का, और आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इन दोनों में से कोई से भी मजबूताई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब इसके अंदर नीचे होल निकालेंगे, यानी कि इसको इस साइज से रखेंगे। अब हम इस साइज से नहीं करेंगे, इस साइज से बढ़िया नहीं रहेगा। अगर मोटर को हमें फिक्स बढ़िया से करना है तो हमें इसको साइज को ऐसे फिक्स करना होगा, यानी कि यहाँ से रख के हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपको इसमें इस प्रकार से एक होल कर लेना है, एक बढ़िया तरीके से होल कर लें। हम यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे ग्लू गम का, तो चलिए मैं यहाँ से इसका इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अब यहाँ से इस मोटर को है जो कि मोटर की फिक्सिंग करेंगे। ये मोटर ऑन है और ये वर्क भी करती है हमारी, तभी तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। चलिए इसको लगा देते हैं यहाँ से, देखिए। चलिए मोटर फिक्सिंग के लिए हम एक ऐसी लकड़ी जो कि यहाँ पे पोर्शन लगाने के काम में लेंगे, यानी आप रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं लकड़ी का कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का कर लेना। जो लकड़ी के टुकड़े का लिया था उसे हमने तो टेप का इस्तेमाल किया ताकि मोटर को कोई नुकसान ना हो या मोटर में कोई खराबी ना हो। अगर फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे तो अंदर चली जाएगी, इतने होल है इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। और किसी का इस्तेमाल कर, इससे अच्छा ये बढ़िया हो गया। चलिए मैं इस पर ऐसे ही करके इस पर मैं यहाँ से सेट कर दूंगा इसको, मोटर को यहाँ से हम फिक्सिंग करेंगे। फिक्सिंग के ऊपर बाद में ये ढक्कन लगा देंगे, बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप पेपर कटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पेपर कटर मिल ही नहीं रहा यार, कहीं कहीं ढूंढे, इसलिए मैं ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्लेड एकदम ब्रांड न्यू है, जिसे 10 बार धोया गया है, यानी इसकी सफाई की गई है। पानी से मैंने इसे 10 बार और केमिकल से साथ में इसे धोया गया, तभी आप यूज़ में ले सकते हो, नहीं तो नहीं हुआ। मैं सिंपल इसलिए बता रहा हूँ आपको, घर में जो उपकरण मिल सके वही सिर्फ, इसीलिए आपका वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, जो घर में चीज़ मिले, बाजार से कुछ नहीं खरीदना आपको। पर मोटर की अब अगर कुछ लोग बात करेंगे मोटर की, तो ये घर में ऐसे उपकरण बहुत होते हैं जैसे कि सीडी प्लेयर, वो डीवीडी, उसके अंदर कुछ सारे आइटम के अंदर आज के वो
घूमने वाला बल्ब आता है ना, लाइटिंग वाला, उसके अंदर भी आता है। चलो इसे फिक्सिंग करते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको तैयार कर लिया। आप जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से, एक रोटर के थ्रू जैसे नीचे की ब्लेड लगी हुई वैसे, तो मैंने ये ऐसा इसके सपोर्टिंग के लिए लगा दिया है। ये रोटर ब्लेड आप ऐसे चार साइज के अंदर लगा सकते हो रोटर ब्लेड। अभी इसे चला के भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ढांचा हमारा तैयार भी है, इसके अंदर इसे फिक्सियर करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। आपका जो भी है वो आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हो आप। चलिए मैं अब आपको दिखा, देखो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम, चलिए दोस्तों हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। ये भी नहीं है कि हम सिर्फ मशीनरी बनाने तक का वीडियो दिखाते हैं, नहीं, बल्कि हम पूरा पूरा दिखाएंगे आपको, एकदम बना के जैसे ओरिजिनल मशीन से बनता है वैसे पूरा हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। चलिए तो अब सबसे पहले इसकी कटिंग, अब सबसे पहले चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो चलिए चलिए तो अब जो भी पीसेस हमने लिए हैं, चलिए अब जो भी पीसेस लिए हैं उन्हें हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, तो चलिए अब इसे बंद करते हैं। हमने देख लिया 2 मिनट तो हो गई हमसे आराम से कम यार 2 मिनट और कुछ टाइम लग गया। मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग से मैंने चेक किया कि इसको टाइमिंग है जो कि लग चुका है 2 मिनट और 20 सेकंड के आसपास। तो इसकी पहले मैं वायरिंग इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने कर दिया और ये पूरा रोटर है निकाल दिया। इसको किसी में और में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ आपके सामने। ये देखो जो है वो सब कुछ सामने ही है। और जो भी जूस बना है यार, वो जूस देखो कैसा बना है। ये आप देखो, अब देखो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है जो कि ओरिजिनल है घर का, बाहर का दुकान का नहीं है, ये देखो ओरिजिनल है ये एकदम। तो दोस्तों ये देखो, ये हमारी मशीन है जिस पर लगा हुआ अभी तक। ये देखो और ये देखो यार, ये ओरिजिनल है। देखो दुकान जैसा तो बनेगा नहीं यार, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा और गाढ़ा कौन करता है यार। इसके अंदर जो मार मटेरियल है वो ओरिजिनल है। और थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया स्वाद के लिए, और दूध के साथ में डाल दी चीनी ताकि एकदम बढ़िया से बढ़िया हो जाए। ये देखो ये रहा यार बादाम, इसे तो पपीता शेक तो बने कहाँ से यार, वो शेक वाला सामान है नहीं तो बना लेते यार। और अब इसे टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कैसा बनाया। और ये इसमें 2 से 2.5 मिनट लग गए 1 गिलास बनाने में यार, वहाँ तो कुछ नहीं लगता, वहाँ तो 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन घर का है ना ये काम। और ये वैसे भी ओरिजिनल है यार, तो इसीलिए टाइम लग गया हमें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो पसंद आए देख लाइक ज़रूर करना, और हमारी बनाई गई एक्सपेरिमेंटल मशीनरी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बता देना।